हाय हेलो एवरीवन, कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट जो JEE मेंस एग्जाम अटेंड करने वाले हैं उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो COVID-19 पैंडेमिक के कारण जो गाइडलाइंस मिले हैं उसके कारण एडमिट कार्ड पे चेंजेस है। ओके, ड्रेस कोड कौन सा है आपको और इसके बाद जो कौन से आइटम्स आप कैरी कर सकते हैं, कौन से आइटम्स आप कैरी नहीं कर सकते, वो पूरा हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए कि जो आपको रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड पे है उसके पहले आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे प्रेजेंट होना है, क्योंकि एक बार गेट क्लोज होने के बाद आपको वहाँ पे एंट्री, एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। आपके एग्जाम पूरा होने के बाद ही आप एग्जाम हॉल के बाहर आ सकते हैं। ओके, सो जो एडमिट कार्ड है जो है तो वो 4 पेजेस का एडमिट कार्ड। तो फर्स्ट पेज पे आपके सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसको हम अंडरटेकिंग फॉर्म भी बोलते हैं। सेकेंड पेज पे आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट जो अभी अब अभी हम जो डिस्कस करने वाले वो सेकेंड पेज पे है। थर्ड पेज पे और फोर्थ पेज पे एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग COVID-19 की गाइडलाइंस है। ओके, सो तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका जो एग्जाम सेंटर है उसका अरेंजमेंट आप एक दिन पहले जाके वहाँ पे विजिट करके देखिए अरेंजमेंट क्या है। ओके, क्योंकि आपका जो एग्जाम डे पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आप एक दिन पहले आप वहाँ पे जाके एडवांस में चेक करके आते हैं एडवांस अरेंजमेंट, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद जो रिलीजियस कस्टम्स ड्रेस वो पहन के जाने वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट, जो आपका ट्रेडिशनल ड्रेस आप पहन के जा रहे हैं रिलीजियस ड्रेस, तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा बिकॉज आपकी चेकिंग होती है उसको टाइम लगता है। तो आपको पहले 1.5 आवर में बोलता हूँ आप चेक करके, जो आप जो NTA के ड्रेस कोड फॉलो करते हैं तो उतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ड्रेस कोड NTA का उसका भी हम डिस्कस करेंगे अभी, कौन सा ड्रेस पहन के जा सकते हैं, शूज एंड फुटवेयर रिलेटेड एंड बटन्स रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड प्रूफ आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट है आपके कौन से आइटम्स आप कैरी कर सकते हैं। तो फर्स्ट आइटम एडमिट कार्ड। ओके, एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, उसको अंडरटेकिंग फॉर्म भी बोलते हैं। जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो एडमिट कार्ड पे आपके जो सेंटर डिटेल्स के नीचे अंडरटेकिंग फॉर्म है हम पहले देखेंगे। एडमिट कार्ड एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, ऊपर सेंटर डिटेल्स है, उसके नीचे COVID-19 रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, दैट इज नथिंग बट ये जो फॉर्म है वो अंडरटेकिंग फॉर्म है। ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन, इसमें क्वेश्चन है कि आपको कोई सिम्टम्स लगते हैं COVID-19 की, जैसे आपको फीवर है, कफ है, कुछ है, तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हैं। आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो यहाँ पे चेक मार्क करने की जरूरत नहीं। आप सेकंड क्वेश्चन है, आप कोई COVID-19 पर्सन के कांटेक्ट में आए तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। आप COVID-19 के कांटेक्ट नहीं आते, पर्सन के कांटेक्ट नहीं आते, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी जो क्वेश्चन है, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम COVID-19, आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हैं। आपको कोई COVID-19 के कॉन्टेक्ट पे भी नहीं आते हैं और क्वारंटाइन भी नहीं है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है कि ट्रैवल इन फॉलोइंग सिटी, आप इस 14 डेज में आप कहाँ पे ट्रैवल करें, जैसे आप मुंबई, पुणे और कौन से भी सिटी में आप ट्रैवल करते तो यहाँ पे आपको सीट का नाम लिखना है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग टू कोविड, दिस इज रिगार्डिंग टू अंडरटेकिंग। ओके, सो ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स फोटो है, कैंडिडेट्स फोटो, ये आपको फोटो पेस्ट करना है बिफोर द एग्जाम हॉल, मीन्स एक दिन पहले आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हॉल में जाने से पहले आपको फोटो पेस्ट करना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब, ये भी आपको एग्जाम हॉल में एंट्री करने से पहले करना है बिफोर रीचिंग द सेंटर। थर्ड है कैंडिडेट्स पेरेंट्स सिग्नेचर, ये भी आपको एग्जाम हॉल एग्जाम सेंटर के पहले जाने से पहले करना है। ये तीन चीजें आपको पहले करना है। और एक नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, कैंडिडेट सिग्नेचर, ये आपको एग्जाम हॉल में एंट्री करने के बाद जो इनविजिलेटर रहते हैं, जो स्टाफ रहते हैं, उनके आगे वो सिग्नेचर करना है। ओके, सो आप पहले ही सिग्नेचर नहीं करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर, ये तीन चीजें पहले करने हैं एग्जाम सेंटर में जाने से पहले। लेकिन एग्जाम सेंटर हॉल में जाने के बाद कैंडिडेट सिग्नेचर जो जो सर मैडम से रहेंगे इनविजिलेटर उनके आगे ही सिग्नेचर करना। तो ये अभी जो हमने डिस्कस किया है ये रिलेटेड टू एडमिट कार्ड रिलेटेड है। ओके, तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आप कौन से आइटम्स कैरी कर सकते हो। फर्स्ट एडमिट कार्ड विद
सेल्फ डिक्लेरेशन, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। पहले एनटीए प्रोवाइड करता था बॉल पेन, नाउ आपको खुद ही आपको बॉल पेन लेके जाना है जो ट्रांसपेरेंट बॉल पेन है। ओके, नेक्स्ट है एडिशनल फोटोग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको एक फोटो वहाँ पे एडमिट कार्ड पे पेस्ट करना है और एक फोटो एक्स्ट्रा लेके जाना है, जो आपको एडमिट कार्ड पे जो है वही फोटो आपको लेके जाना है, वो अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करना पड़ता है। ओके, जो स्टाफ रहते हैं उनके जो अटेंडेंस शीट रहते हैं वहाँ पे वो पेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद एक हैंड सैनिटाइजर एंड एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ये चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ जो है वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशू बाय गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ने जो इशू किया हुआ आइडेंटिटी प्रूफ अपने के साथ, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, कौन सा भी लेकिन गवर्नमेंट ने दिया हुआ और जिससे ऊपर एक फोटो है। ओके, जैसे 12th क्लास बोर्ड एडमिट कार्ड भी आपके पास है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू फिजिकल हैंडीकैप, जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स है उनको एक आपका जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी ने दिया है वो लेके जाना है। उसके साथ जो आपके साथ कोई स्क्राइब आता है तो उसका भी सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म लगता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स के लिए जो JEE एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक ड्राइविंग टेस्ट रहती है। ओके, सो इनके लिए जो आइटम्स है वो एक्स्ट्रा आइटम्स वो कैरी कर सकते, जैसे ओन ज्योमेट्रिक बॉक्स सेट, पेंसिल, इरेजर, कलर्स, पेंसिल एंड क्रायन्स, ये आइटम आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपको परमिशन नहीं है वो है वाटर कलर ऑन ड्राइंग शीट, ये परमिशन आपको नहीं है। ओके, सो दीज आर यू कैन कैरी ज्योमेट्रिक बॉक्स लाइक दीज आइटम्स, बट दीज वाटर कलर्स ऑन ड्राइंग शीट इज नॉट परमिटेड, नॉट अलाउड। ओके, सो नेक्स्ट है सब स्टूडेंट्स के लिए कि आपके आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन्स, अदर बैंड और प्रोहिबिटेड आइटम फ्रॉम आप एग्जाम सेंटर में अलो नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू ड्रेस कोड। ओके, सभी कैंडिडेट के लिए आपका जो ड्रेस रहता है मेल और फीमेल दोनों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए आपका जो जो ड्रेस रहता है वो हाफ स्लीव्स रहना चाहिए, फुल स्लीव्स नॉट अलाउड। ओके, दैट इज। और उसके बाद आपका जो गारमेंट्स में जो बटन्स रहते हैं वो लार्ज गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स नॉट परमिटेड। ओके, सो लार्ज बटन्स के गारमेंट्स नहीं चलेंगे। उसके बाद आपके रिलेटेड शूज एंड फुटवेयर जो है वो थीक सोल्स के नहीं होने चाहिए। ओके, थीक सोल्स फुटवेयर इज नॉट अलाउड। आपको सिंपल अपना सादा स्लीपर आप पहन के जा सकते हैं। और वन नेक्स्ट चीज है 5 ब्लैंक पेजेस सीट्स फॉर रफ वर्क। 5 ब्लैंक पेजेस आपको वहाँ पे आप जगह आपका जो डेस्क रहेगा वहाँ पे आपको 5 ब्लैंक पेज ऑलरेडी रखे हुए वो आपके लिए रफ वर्क के लिए रहेगा। ओके, सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू JEE मेन्स कैंडिडेट जो आप एग्जाम देने वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे, कैरी कौन से कर सकते हैं आइटम्स, कैरी नहीं कर सकते। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को अचीव एजुकेशनल कंसल्टेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।